तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। पहला पाठ नबी होशुआ का ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 1-3 8-9 तक। प्रभु ये कहता है, इसराइल जब बालक था तो मैं उसे प्यार करता था और मैंने मिस्र देश से अपने पुत्र को बुलाया। मैं उन लोगों को जितना अधिक बुलाता था वे मुझसे उतना ही अधिक दूर होते जाते थे। वे बाल देवताओं को बलि चढ़ाते थे और अपनी मूर्तियों के सामने धूप जलाते थे। मैंने इफ्राइम को चलना सिखाया, मैं उन्हें गोद में उठाया करता था, किंतु वे नहीं समझे कि मैं उनकी देखरेख करता था। मैं उन्हें दया तथा प्रेम की बागडोर से टहलाता था, जिस तरह कोई बच्चे को उठाकर गले लगाता है उसी तरह मैं भी उनके साथ व्यवहार करता था। मैं झुककर उन्हें भोजन दिया करता था। मेरा हृदय ये नहीं मानता, मुझ में दया उमड़ आती है। मैं अपना क्रोध भड़कने नहीं दूंगा, मैं फिर एफ्राइम का विनाश नहीं करूंगा, क्योंकि मैं मनुष्य नहीं ईश्वर हूँ। मैं तुम्हारे बीच परम पावन प्रभु हूँ, मुझे विनाश करने से घृणा है। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। हे प्रभु, तो इज़राइल का चरवाहा है, हमारी सुन। तू स्वर्गदूतों पर विराजमान है, अपनी शक्ति को जगा और आकर हमें बचाने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। विश्वमंडल के प्रभु, स्वर्ग से हम पर दया दृष्टि कर। तूने ये दाखलता लगाई है, आकर उसकी रक्षा कर। तूने उसे बढ़ने की शक्ति दी है, उसे अपने दाहिने हाथ से संभाल। अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। जय घोष, अलेलुया। अनुवाक्य। अलेलुया। ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। अनुवाक्य। अलेलुया। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 7-15। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, राह चलते यह उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरकदूतों को निकालो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दो। अपने फेंटे में सोना चांदी या पैसा नहीं रखो। रास्ते के लिए ना झोली, ना दो कुर्ते, ना जूते, ना लाठी ले जाओ, क्योंकि मजदूर को भोजन का अधिकार है। किसी नगर या गांव में पहुंचने पर एक सम्मानित व्यक्ति का पता लगा लो और नगर से विदा होने तक उसी के यहाँ ठहरो। उस घर में प्रवेश करते समय उसे शांति से आशीष दो। यदि वह घर योग्य होगा तो तुम्हारी शांति उस पर उतरेगी। यदि वह घर योग्य नहीं होगा तो तुम्हारी शांति तुम्हारे पास लौट आएगी।
यदि कोई तुम्हारा स्वागत ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने तो उस घर से या उस नगर से निकलकर अपने पैरों की धूल झाड़ दो। मैं तुमसे कह देता हूँ, न्याय के दिन उस नगर की दशा की अपेक्षा सदोम और गमोरा की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय।